तो आज से कुछ समय पहले स्टार्ट किया और स्टार्ट करने का कोई पर्पज नहीं रहा और ऐसे ही हमने एक नॉर्मली सेशन अटेम्प्ट किया। वो सेशन किसी और का नहीं, इंजीनियर रविकांत रुद्रा सर का है। ऐसे ही सोचा कि चलो स्टार्ट करके देख लेते हैं, एक छोटी सी सोच के साथ कि चलो यहाँ से पर्ची दिख करके देखते हैं। और पर्ची दिख करने के बाद कहीं ना कहीं देखा जाए तो मेरा विजन क्लियर हुआ। और देखा जाए तो पहला जो विजन है एक सेल्फ डिपेंड होना है। आज के डेट में बहुत सारे स्टूडेंट हैं और देखा जाए तो सर वो देखो मतलब घर से पैसे लेते हैं, दूसरी चीज अपनी पॉकेट मनी मतलब की अरेंज करना और खुद को डेवलप करना और एक बैकअप चाहिए था सर, मतलब इस बात का भी कल की डेट में अगर कुछ ना हुआ तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो मैं मतलब जैसे कि मैं बीटेक कर रहा हूँ सर, और बीटेक करने के बाद कल की डेट में अगर प्लेसमेंट ना हुआ तो प्लेसमेंट के आफ्टर दैट मतलब इस रिले के थ्रू अपनी लाइफ को भगवान करा सकते हैं। और जो भी टाइम बचता है सर बीटेक के जो स्टूडेंट होते हैं उनको पता होता है सर 24 घंटे हर कोई पढ़ाई करता है, 2-3 घंटे हर किसी के वेस्ट होते हैं सर उस टाइम को सही जगह पर लगाने के लिए। और उस टाइम को आज की डेट में जैसे कि पहले बीटेक के पहले सर उस टाइम को मूवी देखने में अलग अलग चीज़ों पर लगा देते थे जो कि अनप्रोडक्टिव है जिसका कोई मतलब नहीं होता। आज की डेट में उस टाइम को एक सही जगह पर लगा करके अपने टाइम को यूटिलाइज कर पा रहे हैं। एंड ड्रीम की बात करें सर, ड्रीम भी बहुत बड़े बड़े बने सर। मेरा बर्थडे आने वाला है सर, अभी 6 अक्टूबर को है सर, और उस बर्थडे के दिन अपने खुद के लिए एक बाइक गिफ्ट करनी है सर जो कि KTM 225। पापा जी को एक सर कार गिफ्ट करनी है सर। और कहीं ना कहीं मेरा एक बहुत बड़ा ड्रीम है सर अपने अपने सिटी का MLA बनना है सर। एनी हाउ अप्लायंस की तो मेरे गुरु मिस्टर योगेश त्रिपाठी सर एंड माय मेंटर मिस्टर कैलाश मौर्या सर, कुछ डाउनलाइंस है सर। और देखा जाए सर तो डाउनलाइंस नहीं सर बिजनेस पार्टनर है। और बात करें सर एक कोटेशन है, कोटेशन लिख के लाया सर, याद हो गया सर। खुद से जीतने की जिद है मुझे, खुद को ही हराना है, मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, मेरे अंदर एक जमाना है, मेरे अंदर एक जमाना है।